तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत अगले 10 दिनों में ठोस नतीजे पर पहुंच सकता है, यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े शीर्ष सूत्रों ने दी है। सूत्रों ने कहा है कि भारत सरकार दूसरे देशों और अपने यहाँ आ रहे मामलों पर नजर रख रही है। अभी तक किसी भी देश में ओमिक्रॉन से मौत का मामला सामने नहीं आया है। अस्पतालों में इस नए वेरिएंट के चलते दाखिल होने वाले की संख्या बढ़ने का भी कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही कहा गया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। टेस्टिंग के पुराना तरीका और ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दुनिया भर में 38 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। अब तक विश्व में 1300 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज आए हैं। दक्षिण अफ्रीका और यूके में ओमिक्रॉन के कुल मामले के 50% मामले दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा मामले वाले देश दक्षिण अफ्रीका और यूके में अस्पताल में दाखिल होने या उनमें मृत्यु के मामले का प्रमाण नहीं है। सूत्रों ने साथ ही बताया कि दक्षिण अफ्रीका के मामलों का अध्ययन करने पर यह जानकारी सामने आई कि जब वहाँ 25,000 कोरोना के मामले थे तब 2,000 लोग अस्पताल में थे। वही अब जब 75,000 कोरोना के मामले हैं तो अस्पताल में करीब 3,000 लोग भर्ती है। यहाँ पर कोरोना का डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही वेरिएंट है।